नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास ट्वेल्थ में केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में एक चैप्टर है बहुलक, पॉलीमर्स इन इंग्लिश में बोलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टोटल इसी बहुलक के बारे में थोड़ा सा बताने वाले हैं कि बहुलक क्या होता है, इसका नाम कैसे पड़ा और इसकी परिभाषाएँ क्या हैं और इसके एग्जाम्पल्स वगैरह, यही सब हम आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो ये बहुलक होता है, देखिए बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर। देखिए, इसकी बहुलक या पॉलीमर ग्रीक शब्द पॉलीमरेज से लिया गया है। पॉलीमरेज से पॉलीमर शब्द बना है। अब देखिए, पॉलीमर इसको टूटता है, देखिए पॉली मीन्स होता है पॉली, उसके बाद मर, उसके बाद पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मेनी मीन्स होता है बहुत, उसके बाद मर मीन्स होता है एक छोटी सी इकाई, यूनिट इकाई, अर्थात बहुत सारी इकाइयाँ। पॉलीमर मतलब कि बहुत सारी इकाइयाँ। अब देखिए, इसकी परिभाषा क्या है। अनेक छोटे छोटे अणुओं के परस्पर संयोग से प्राप्त होने वाले उच्च अणुभार वाले यौगिकों को बहुलक कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अनेक छोटे छोटे अणुओं के परस्पर संयोग से प्राप्त होने वाले उच्च अणुभार वाले यौगिकों को बहुलक कहते हैं। देखिए, बहुलक बनने की यह प्रक्रिया बहुलीकरण या फिर बहुलकीकरण या बहुलन कहलाती है। दोस्तों, बहुलक जो बनता है, इसका ये प्रक्रिया जो है वो बहुलकीकरण कहलाती है, फिर बहुलन कह सकते हैं। अथवा इसकी एक और परिभाषा है, देख लीजिए, एक और जो परिभाषा है इसकी, अथवा करके उच्च अणुभार वाले यौगिक जो अनेक छोटे छोटे अणुओं के परस्पर संयोग से बनते हैं बहुलक कहलाते हैं, और ये घटना बहुलकीकरण कहलाती है। दोस्तों, आप इसको या फिर इसको, इन दोनों में से कोई भी एक आप याद कर लीजिए, यही लिख सकते हैं आप बहुलक की परिभाषा के रूप में। दोस्तों, देखिए उसके बाद इसकी जो वो इसका जो उदाहरण है, एक आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे N मतलब होता है कोई भी नंबर, कोई भी संख्या, मतलब कितने हैं। NCH2 डबल बॉन्ड CH2 इज इक्वल टू, उसके बाद बड़े ब्रैकेट के अंदर सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद ये मतलब कि ए सिंगल बॉन्ड, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज N मतलब होता है उतने ही नंबर। ये बन गया बहुलक, ये मतलब कि N इकाइयों से बना हुआ ये टोटल एक बहुलक बन गया। ये इसकी परिभाषा थी। दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ जाता है, आप इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।